हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का रे क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो जैसा कि बच्चों, हम लोग प्रीवियस क्लास में कंप्लीट सेल के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था कि उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है और उसके लिए नेस्ट इक्वेशन कैसे हम लोग लिखते हैं, ये सारी चीज़ हम लोगों ने देख ली थी। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला टॉपिक पढ़ते हैं। टॉपिक का नाम है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। हिंट डालिएगा, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसको हम SHE भी बोलेंगे, सी। ठीक है, या इसका एक दूसरा नाम है नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। क्या नाम है? नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, इसको हम लोग NHE। ठीक है, लेकिन मेनली सबसे ज़्यादा हम लोग इसको यूज करेंगे SHE C। अब देखो ये होता क्या है, ये होता क्या है, जो C है ये होता क्या है? तो जो हमारा ये क्या होता है, गैस आयन हाफ सेल होता है। अभी तक हम लोग मेटल मेटल आयन हाफ सेल पढ़ रहे थे ना, जब पहला हम लोगों ने जो गैल्वेनिक शेल बनाया था उसमें क्या था, इधर जिंक था उधर कॉपर था, तो दोनों मेटल मेटल आयंस हाफ सेल्स थे। ठीक है, तो ये क्या होता है, इट इज टाइप ऑफ गैस आयन हाफ सेल। यहाँ पे गैस और उसका आयन यूज किया जाता है हाफ सेल में, गैस और उसका आयन। अब गैस कौन सी यूज होती है भाई? हाइड्रोजन गैस यूज होती है और उसी का आयन मतलब H+ आयंस का यूज हम लोग करेंगे हाफ सेल के रूप में। ठीक है, तो इसको क्या माना गया, इसको माना गया स्टैंडर्ड। ठीक है, तो पहले एक दो लाइन लिख लेते हैं, इट इज ए टाइप ऑफ गैस आयन हाफ सेल It is a type of gas and half cell in which gas is used gas कौन सी used होगी भाई? Hydrogen। In which gas is used hydrogen and its ions are H+ आयंस। कौन से आयंस होंगे? हाइड्रोजन आयंस। मतलब जब हम लोग स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बात करेंगे, वहां पे हम लोग हाइड्रोजन गैस लेंगे और उसी की आयंस लेंगे। ठीक है, और इसको क्या बोला जाता है, इट इज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड। ये हमारा क्या होता है, एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, बाकी सबके लिए रेफरेंस का काम करेगा। ठीक है, एज्यूम्ड बाय IUPAC, इसको IUPAC ने रेफरेंस इलेक्ट्रोड बोला हुआ है। एज्यूम्ड बाई IUPAC ने इसको क्या बोला है, बोला है ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड है। इट कैन एक्ट एज बोथ एनोड हाफ सेल एज वेल एज कैथोड हाफ सेल। as well as cathode ऑप्शन। ये आप
इसका यूज आप एनोड हाफ सेल के रूप में भी कर सकते हो और कैथोड हाफ सेल के भी रूप में कर सकते हो। अब ये क्या होता है, जब इसको रेफरेंस बना गया, एक स्टैंडर्ड बना दिया गया, तो अब इसका कुछ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी होगा, तभी तो हम इसको रेफरेंस मानेंगे। जैसे आप किसी चीज को रेफरेंस कब मानते हो, जब उसकी एक स्टैंडर्ड वैल्यू होती है। जैसे डिस्टेंस को मेजर करने का एक स्टैंडर्ड क्या है, हमारा मीटर स्केल। मीटर को एसआई सिस्टम ने बोला कि ये आपका स्टैंडर्ड है, ये हर जगह चाहे ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं भी जाओगे आपको डिस्टेंस किस में मेजर किया जाएगा, मीटर में, ये स्टैंडर्ड है। अब मीटर को हमने किलोमीटर या इसमें कुछ बदल लिया वो बात की बात है, लेकिन स्टैंडर्ड क्या है, मीटर है। मास को ऐसे किलोग्राम मेजर करते हैं, तो यहाँ पे भी एक स्टैंडर्ड बना होगा कि भैया इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इतना होता है। अब इसके बाद सारे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इसी के थ्रू हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो इट्स स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एज वेल एज रिडक्शन पोटेंशियल is assumed to be zero by IUPAC, IUPAC ने क्या किया, इसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, चाहे आप इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात करो या रिडक्शन पोटेंशियल की बात करो, इसका स्टैंडर्ड बना दिया, बोला इसका स्टैंडर्ड जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा वो जीरो है। अब ये रेफरेंस की तरह यूज होने लगा कि भैया हाइड्रोजन का जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, इसका जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है या रिडक्शन पोटेंशियल है, इसको जीरो माना। अब इसके बाद हमने सारी चीज निकाली और अभी हम लोग आगे जस्ट पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एक बनाई गई, उसमें हाइड्रोजन एकदम बीच में आता है, इसके ऊपर भी एलिमेंट्स होते हैं, ये जो हम लोग यूज करते हैं हाफ सेल्स यूज करते हैं वो इसके ऊपर भी मिलेंगे, इसके नीचे भी मिलेंगे, लेकिन अब ये क्या हो गया, बीच में, क्योंकि ये रेफरेंस है, ठीक है। तो इतना नोट कर लो बच्चों, फिर हम आगे चलते हैं। नोट कर लिया बच्चों, तो इसका मतलब है कि हमने जो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पढ़ा और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल पढ़ा, जैसे SOP, और ये हमें पता है कि SOP माइनस SRP इक्वल होता है, ठीक है, ये क्या है, जीरो फॉर SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए आपका ये क्या है, ये आपका जीरो है, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं कि ये अब ये क्योंकि ये हाफ सेल की तरह हमें यूज करना है, इसका मतलब हाफ सेल बनेगा तभी तो यूज कर पाएंगे। अब जैसे आपने एक तरफ मान लो जिंक ले लिया, एक तरफ आपने एनोड ले लिया, अब इसको कैथोड की तरह वर्क कराना तो एक हाफ सेल बनाना पड़ेगा ना, तभी तो हम उसको जोड़ेंगे। अब इसको हाफ सेल में क्या क्या होता है, अब हम इसको बनाते हैं, ठीक है, कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो होता है, जो कि आपका एनोड हाफ सेल और कैथोड हाफ सेल दोनों की तरफ वर्क कर सकता है, तो होगा कैसा, तो अब हम इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है,
इसमें होता क्या है कि एक इसमें प्लेटिनम की रॉड होती है। किसकी रॉड होती है? प्लेटिनम की रॉड होती है, और इसमें आप कोई भी सॉल्यूशन डाल लो, इसमें आप कोई सा भी सॉल्यूशन डाल लो जिस जो हैश प्लस आयन रिलीज करे, कोई भी सॉल्यूशन डाल दो जो एच प्लस आयन दे। हमें सोर्स से कोई मतलब नहीं है, सोर्स आप कोई भी ले सकते हो जिससे एच प्लस आयन रिलीज हो, ठीक है, ये याद रखिएगा। ये जो हमारा है, ये हमारा क्या है, ये हमारा प्लेटिनम रॉड है, प्लेटिनम वायर। Which acts as electrode. ये जो प्लेटिनम वायर है यही हमारा इलेक्ट्रोड की तरह वर्क करेगी, ठीक है, यही प्लेटिनम वायर इलेक्ट्रोड की तरह वर्क करेगी। अब हम इसमें क्या करेंगे, इधर से प्योर H2 गैस फ्लो कराएंगे, और ये आपके नॉर्मल टेम्परेचर 1 atm प्रेशर पे होगा, क्योंकि अब गैस आ गई, अब यहाँ पे उसका प्रेशर आएगा, ठीक है। तो ये प्योर हाइड्रोजन गैस हम यहाँ पे 1 atm प्रेशर पे इसमें डालेंगे इसके थ्रू, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसमें सॉल्यूशन ऑफ हमने ले लिया HCl, हमने यहाँ पे क्या किया HCl ले लिया, क्योंकि HCl क्या करेगा, वो हमको H प्लस और Cl माइनस में ब्रेक करेगा, तो H प्लस आयन हमको मिल जाएगा, ठीक है। और ये हमारा क्या है, ये हमारा प्लेटिनम ब्लैक है, ठीक है। तो यहां पे जो कंसंट्रेशन इस सॉल्यूशन का होगा वही कंसंट्रेशन H प्लस का भी मिलेगा। तो यहां पे कंसंट्रेशन ऑफ HCl इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, और हम इसको स्टैंडर्ड 1 molar मान के चलते हैं, अभी हम लोग स्टैंडर्ड माना हुआ है 1 molar, ठीक है। तो ये हमारा इसका कंस्ट्रक्शन हो गया, क्या हो गया भाई, कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो अभी आपको यहां पे दिया हुआ है कि SHE के लिए स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, 0 होगा। इसका मतलब E0, जो E0 होगा H2 / H+, ये ऑक्सीडेशन स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो गया ये, या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ये क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, वहां पर रिएक्शन हो रहा है, ये स्टैंडर्ड है, ये क्या होगा, 0 होगा, ठीक। अब बच्चों इतना नोट कर लो, फिर हम आप इसके लिए सारी चीजें फाइंड करते हैं कि SHE क्या हो, SHE एनोड हाफ सेल की तरह कैसे वर्क करेगा और SHE कैथोड हाफ सेल की तरह कैसे वर्क करेगा, ठीक है, नोट कर लिया इसको। इरेज कर दिया है बच्चों, तो ये याद रखिएगा, आपको अगर सेल बनाना है जिसमें आपको ये SHE यूज करना है तो आपको यही कंस्ट्रक्शन करना है। अब इसको ले जाके आप क्या करोगे, जो भी एनोड या कैथोड जिससे भी जोड़ना हो आप जोड़ देना, अगर वो एनोड लोगे तो ये कैथोड की तरह वर्क करेगा, अगर वो कैथोड लोगे तो ये एनोड की तरह वर्क करेगा, ये दोनों की तरह यूज होगा, ठीक है। चलो नोट कर लिया ना, चलो अब हम लोग देखते हैं कि भैया ये एनोड की तरह कैसे वर्क करेगा या कैथोड की तरह कैसे वर्क करेगा। तो हेडिंग डालिया केस 1 SHE एज ASC, केस 1 क्या है कि SHE जो सिंपल स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है एज AHC एनोड हाफ सेल की तरह कैसे वर्क करेगा, अब हम ये देखते हैं। तो देखो
पहले हम एनोड हाफ सेल रिएक्शन लिखते हैं, AHCR, एनोड हाफ सेल रिएक्शन। तो देखो रिएक्शन में क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है, आपको सबको पता है कि अब ये रट जाना चाहिए बच्चों कि एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पे रिडक्शन होता है। तो ऑक्सीडेशन होगा तो यहाँ पे H2 जो होगी ये क्या होगी, 2H+ 2 इलेक्ट्रॉन। ये H2 आपकी क्या है, गैस है, और ये आपका एक्वस और 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब आपको इसका ये पता है कि E0 जो है H2 to H+ ये कितना है, ये 0.0 वोल्ट, ये पता है ना कि ये तो दिया ही है कि इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है वो आपका क्या होता है, जीरो होता है। चलो ये हमने एनोड हाफ सेल रिएक्शन लिखा, अब हम लोग इसका अगर रिप्रेजेंटेशन देखें, एनोड हाफ सेल रिप्रेजेंटेशन, इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो देखो यहां पे अगर हमने इसको एनोड हाफ सेल लिया हुआ है, इसको एनोड हाफ सेल लिया है तो आपको पता होगा इसमें कौन सी रॉड है, प्लेटिनम की वायर है, तो वो हमारा एनोड की तरह वर्क करेगा, तो आपको क्या हो जाएगा, प्लेटिनम H2, ये क्या है हमारा, अब यहां पे प्लेटिनम आ रहा है, इसका गैस आ रही है, इसका मतलब इसका प्रेशर P1 atm, ठीक, ये हमारा एनोड हो गया। अब कैथोड पे क्या होगा, मतलब ये हमारा सॉलिड हो गया, अब क्या आएगा, H+, इसका कंसंट्रेशन ये एक्वस होगा, इसका कंसंट्रेशन मान लिया C1 मोलर, ठीक। या इसको हम लोग एक तरीके से और रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये रिप्रेजेंटेशन हो गया इसका, ठीक है। और एक तरीके से कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि प्लेटिनम हाइड्रोजन गैस, ये आपका 1 atm, P1 atm और H+ एक्वस C1 मोलर, आपका मैक्सिमम इस टाइप से रिप्रेजेंटेशन इसका होगा, ठीक है। ये इस टाइप से इसका रिप्रेजेंटेशन होगा, ठीक है, ये रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब हम इसके लिए क्या करते हैं, नास्ट इक्वेशन लिखते हैं। अब इसके लिए नास्ट इक्वेशन लिखते हैं, तो अब हम लोग को क्या होगा, आपको पता है कि एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, तो यहां पे क्या निकलेगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकलेगा इज इक्वल टू E0 OP माइनस 0.059/2 लॉग। अब देखो प्रोडक्ट में क्या है भाई, H+ N। अब यहां पे देखो कि जो हमने इक्वेशन रिएक्शन लिखा था, यहां पे इसके साथ क्या है, 2 है, तो ऊपर तो जाएगा H+ का होल स्क्वायर, कंसंट्रेशन ऑफ H+ का होल स्क्वायर अपॉन, अब इधर क्या है हमारा, इधर तो H2 गैस है तो इसका प्रेशर ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 गैस, ठीक है। ये क्या है, PH2 का मतलब है पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 गैस, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 गैस, H2 गैस का पार्शियल प्रेशर, ठीक है। अब यहां पे अगर देखा जाए तो ये हमारा क्या हो गया, जीरो हो गया, ये E0 P क्या हो गया, जीरो हो गया, तो ये हो गया जीरो माइनस 0.059/2 लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H+ का होल स्क्वायर अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ H2। अब देखो क्या होता है कि अगर मान लो इफ नॉट गिवन, अगर मान लो आपको कुछ भी पार्शियल प्रेशर के बारे में पता
नहीं है, क्वेश्चन में नहीं दिया गया है। इफ नॉट गिवेन देन टेक पार्शियल प्रेशर ऑफ एस टू, इसको क्या ले लोगे 1 atm, क्या कर दोगे इसको, इसको 1 atm ले लोगे। तो अब देखो ईओपी इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस 0.059/2। अब ये 1 हो गया, ये 2 बाहर आएगा, इंटू 2 लॉग कंसेंट्रेशन ऑफ एच प्लस, ये 2 2 2 कैंसिल हो गया। तो यहां से ये हमारा माइनस लॉग एच प्लस जो है, माइनस लॉग एच प्लस आयन, ये किसके बराबर हो जाएगा, पीएच वैल्यू के, माइनस लॉग एच प्लस कंसेंट्रेशन, ये किसकी वैल्यू, किसके बराबर हो जाएगा, पीएच के। तो अब यहां से हमारा जो फॉर्मूला आ गया कि ई ओ पी इज इक्वल टू 0.059 पीएच ऑफ किसका, एनोड का। ये हमारा देखिए फाइनल हमारा बन के आ गया। अगर आपको एनोड का पीएच पता है तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अगर नहीं पता, आपको कंसंट्रेशन पता है लॉग एच प्लस आयन का, तो आप यहां पे यूज कर लेना, ये भी आप यूज कर सकते हो ईओपी। अगर आपको कंसंट्रेशन पता है तो आप ये यूज कर लेना। अगर कंसंट्रेशन ना देके आपको पीएच वैल्यू दे दे, तो पीएच वैल्यू दे देगा, तब तो यहां कुछ करना ही नहीं है, बस उसके पीएच को 0.059 से मल्टीप्लाई किया, आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हमको मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें कोई कोई दिक्कत नहीं है, होनी चाहिए। हो गया, नोट कर लिए बच्चों। ये हो गया बच्चों। अब देखो सेम केस वहां होगा जब आपको यह पता चल गया कि इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इतना है, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना हो जाएगा भाई, बस यहां माइनस आएगा और यहां पीएच ऑफ कैथोड, बस इतना ही डिफरेंस होगा। लेकिन चलिए हम लोग कर लेते हैं पूरा, जितना ज्यादा करोगे बेटा प्रैक्टिस, उतने ही कम समय में आपको सफलता मिलेगी। तो प्रैक्टिस से मत भागना कभी भी लाइफ में, अगर प्रैक्टिस से भागोगे, आपको कुछ नहीं आता है कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करो, आप एकदम पढ़ने में गधे हो कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करो। सॉरी, अब हम बात करते हैं एसएचई एज कैथोड हाफ सेल। अब इसको कैथोड हाफ सेल की तरह कैसे यूज करेंगे, हम उसको बात उसके लिए देखते हैं। तो सबसे पहले कैथोड हाफ सेल रिएक्शन देखते हैं, कैथोड हाफ सेल रिएक्शन देते हैं। तो अब आपको पता होगा कि कैथोड पे क्या होता है भाई, रिडक्शन होता है। तो यहां पे 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये क्या बना लेगा, H2S, ये एक्वस। और यहां पे भी E नॉट H प्लस ऑब्लिक H2, ये इसकी वैल्यू क्या है, 0। ये इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन समझते हैं ना, इसको इस तरीके से या इस तरीके से आरओपी भी लिख सकते हो, रिडक्शन रिडक्शन पोटेंशियल आरपी, ई नॉट आरपी, ये क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि स्टैंडर्ड है ये। ठीक है, अब आ जाओ इसके रिप्रेजेंटेशन की। किसकी बात करते हैं, रिप्रेजेंटेशन की, कैसे हम लोग इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो रिप्रेजेंट करने के लिए बस वही तरीका जो वहां किया था वही यहां करेंगे। तो यहां पे क्या होगा, H प्लस एक्वस, अब इसका कंसेंट्रेशन मान लिया C1 मोलर है, ठीक है, अरे C2 मान लीजिए क्योंकि वहां पे C1 मान चुके हैं। ऑब्लिक यहां पे क्या होगा, प्लेटिनम हाइड्रोजन, और यहां पे इसका क्या दिया होगा, पार्शियल प्रेशर P2 atm। एक तो ये रिप्रेजेंटेशन हो गया,
या H प्लस एक्वस सी टू मोलर ऑब्लिक एच टू गैस ऑब्लिक पीटी। अब एच टू का आपको क्या दिया होगा, प्रेशर दिया होगा पी टू एटी, ठीक, क्योंकि अब ये क्या है, कैथोड है, तो कैथोड में सबसे राइट साइड में क्या होता है, जो आपका कैथोड होगा तो वहां पे क्या है, प्लेटिनम है, तो इसलिए प्लेटिनम सबसे लेफ्ट राइट में आएगा। तो ये रिप्रेजेंटेशन है, मैक्सिमम आपको रिप्रेजेंटेशन इस टाइप से मिलेगा, तो इसको याद रखिएगा कि एच प्लस और ये एच टू में कन्वर्ट हो रहा है और इधर क्या है हमारा कैथोड है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अप्लाई करते हैं। अब नेक्स्ट इक्वेशन अप्लाई कीजिए, देखिए अब यहां पे क्या आएगा, ईआरपी इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल, ई नॉट आरपी माइनस 0.059/2 लॉग। अब यहां पे क्या आएगा, ऊपर तो आएगा आपका क्या, पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन अपॉन, और यहां पे आएगा H प्लस कंसंट्रेशन का स्क्वायर, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने इन दोनों को कन्वर्ट कर दिया, मतलब इसको ऊपर ले गए, इसको नीचे ले आए, तो ये तो जीरो हो गया, अब ये हो गया प्लस 0.059/2 लॉग कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस का स्क्वायर अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ एच टू, ठीक है। अगर नहीं गिवन होगा, यही हमारा ईआरपी हो गया, वहां पे ये चीज किस में आई थी, माइनस में आई थी, यहां ये चीज आ गई प्लस में, तो ये तो फॉर्मूला बन गया। अगर आपको पार्शियल प्रेशर गिवन नहीं है, इफ पी एच टू ये अगर 1 एटीएम हो जाए, अगर नहीं गिवन है तो आप 1 एटीएम ही लेके चलोगे, तो यहां पे आ जाएगा ईआरपी इज इक्वल टू, तो यहां से ये 2 कैंसिल हो गया, अब ये हो गया 0.059 लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, और आपको पता है कंसंट्रेशन ऑफ लॉग H प्लस किसके इक्वल होता है, माइनस ऑफ pH ऑफ कैथोड के, तो ये हो जाएगा आपका ईआरपी जो होगा माइनस 0.059 pH ऑफ कैथोड। ठीक है, अगर कैथोड का आपको पीएच दिया है तो आप डायरेक्ट क्या करना, माइनस 0.059 से मल्टीप्लाई करना है, आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मिल जाएगा। अब यहां देखो एक चीज दिखाई दे रहा होगा, रिडक्शन पोटेंशियल जो है नेगेटिव आ रहा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आपका पॉजिटिव आ रहा है, और बीच में कहीं आएगा हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये हमारा हो गया बच्चों क्वेश्चन, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, तो आपको चीजें समझ में आएंगी। ये हो गया, समझ में आ गया बच्चों, आराम से इसको समझिएगा, बहुत कुछ नहीं है, बस ये है कि आपका कंसंट्रेशन लेवल यहाँ होना चाहिए, अगर इसको आपको समझना है तो आपका कंसंट्रेशन लेवल यहीं होगा तभी आप समझ पाओगे, अदरवाइज देखोगे हवा में उड़ जाएगा, ठीक। चलो अब एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं, तो आपको हो सकता है इसका कुछ आइडिया क्लियर हो जाएगा, ऐसे हो जाना चाहिए, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलो भाई क्वेश्चन लिखते हैं, लिखो भाई क्वेश्चन, कैलकुलेट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, कैलकुलेट ईपी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है, और किसके लिए निकालना है वो आपको सेल दिया गया है। अब देखिए सेल दिया गया है ZN सॉलिड ऑब्लिक ZNSO4
एक्वस, अब इसका कंसंट्रेशन दिया गया है 2 मोलर, ये दिया गया है 50%। ठीक है, ये हो गया डबल लाइन। फिर इसके बाद क्या आ गया भाई, अब CH3COOH एस्टिक एसिड दे दिया, और यहां पे इसका कि 10^-5 0.01 मोलर। ओके, और हाइड्रोजन गैस प्लेटिनम, और यहां पे प्रेशर तो दिया गया 10 atm। ये हमको देखिए सेल दे दिया। ठीक है, अब यहां पे दिया क्या है, यहां पे दिया है E0 Zn+/Zn +0.76 volt। सॉरी, ये है आपका रिडक्शन पोटेंशियल माइनस में, ये आपको देखिए दिया हुआ है। ये क्या दिया हुआ है, ये आपको सेल दिया गया है, कहता है इसके लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू बताइए। ठीक है, अब यहां पे देखो, ये जो सेल है हमारा, ये हमारा क्या है, मेटल मेटल आयन, ये हमारा क्या है, मेटल मेटल आयन। और इसको अगर देखा जाए तो देखो, ये क्या आ गया, प्लेटिनम आ गया ना, इसका मतलब है ये गैस आयन है। क्या है, गैस आयन हाफ सेल, ये मेटल मेटल आयन हाफ सेल। ठीक, अब यहां से अगर ये चीज समझ गए आप, इतना अगर आप समझ गए तो अब आपको क्वेश्चन करने में बहुत आसानी होने वाली है, क्योंकि आप अब इसका रिएक्शन लिखोगे, इसका रिएक्शन लिखोगे, फिर कंप्लीट रिएक्शन लिखोगे, फिर उस पर नेक्स्ट इक्वेशन लगा दोगे, आपका काम हो जाएगा। ओके, चलो तो अब हम लोग क्या करते हैं, एनोड रिएक्शन लिखते हैं। एनोड पे आपको क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, पता है। तो यहाँ पे देखा तो ये Zn जो है ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, Zn+2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और इसका अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात करें, E0 OP, तो ये क्या होगा, अब वहां जो देखिए दिखा है वो आपका रिडक्शन पोटेंशियल है, Zn+2 आपको Zn में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन यहां पे क्या है, Zn+2 में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसका मतलब वो अगर -0.76 है तो ये +0.76 होगा। ये सब चीज छोटी छोटी चीजें होती है बच्चों, इसको याद रखोगे तो आपका काम कभी नहीं खराब होगा। ये हमारा एनोड रिएक्शन हो गया। अब आ जाओ कैथोड पे, आप कैथोड पे क्या होता है भाई, रिडक्शन होता है, आप सबको पता है, और अभी हम लोगों ने पढ़ा है SHG के बारे में, एक्ट एज कैथोड, कैथोड के बारे में, कैथोड पे कैसे रिएक्ट करता है, तो 2H++2 इलेक्ट्रॉन गिव्स H2। अब ये याद रखिएगा कि हमें H+ का सोर्स क्या है, उससे कोई लेना देना नहीं है, हमें तो बस ये रिएक्शन याद रखनी है। अब यहाँ H+ का सोर्स आपको एस्टिक एसिड है, हमें उससे मतलब नहीं है, हमें मतलब है बस इस रिएक्शन से कि H+ आयन इलेक्ट्रॉन लेगा और हाइड्रोजन गैस को में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ पे E0 जो RP होगा वो क्या होगा भाई, ये स्टैंडर्ड है तो इसकी वैल्यू क्या है, 0.0 वोल्ट। ठीक है, अब देखो, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कंप्लीट इक्वेशन लिखते हैं। तो यहां से तो ये Zn हो गया +2H+ गिव्स Zn+2+H2, तो ये तो इससे कैंसिल हो गया। ठीक है, और यहां पे E0 सेल जो आएगा, E0 सेल आप दोनों को ऐड कर दो तो क्या मिल गया, 0.76 वोल्ट। ये हमारा क्या आ गया,
सेल का ई नॉट आ गया, सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमको, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमको मिल गया। अब हम क्या करते हैं, अब हम नर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करते हैं। अब हम लोग नर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करते हैं। अब देखिएगा, अब आपका ई सेल जो होगा ये किसके इक्वल होगा, ई नॉट सेल माइनस 0.059/2 लॉग, इधर तो जेड एन प्लस टू है तो कंसंट्रेशन जेड एन प्लस टू अपॉन, इधर क्या है एच प्लस तो कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस होल स्क्वायर, और क्या है, और एक मिनट, जेड एन प्लस टू और यहाँ हाइड्रोजन गैस है तो हाइड्रोजन गैस का क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ एच टू। याद रखिएगा यहाँ तो ये जिंक सॉलिड है इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन गैस है और मैंने जब भी तभी बताया था जब गैस आएगी तो वहाँ पे उसका पार्शियल प्रेशर जरूर आएगा, तो ये तो कंसंट्रेशन हो गया इनटू इसका पार्शियल प्रेशर। ओके, अब देखो, अब तो हमें पार्शियल प्रेशर तो पता है 10 atm है, Zn प्लस टू का कंसंट्रेशन भी हमको पता है। अब देखो ये क्या है, यहाँ पे ZnSO4 का कंसंट्रेशन दिया है 2 molar। अब ये यहां दिया हुआ है कि ये कितना रिएक्ट कर रहा है, 50% रिएक्ट कर रहा है। अगर ये नहीं दिया होता तो कंसंट्रेशन Zn प्लस टू का भी कितना हो जाता, 2 molar हो जाता। लेकिन जब ये 50% रिएक्ट ही कर रहा है तो इसका मतलब अब तो इसमें से कितना रिएक्ट करेगा, एक मोलर, तो इसका मतलब अब Zn प्लस टू का कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, 1 molar। हमको ये मिल गया, ये मिल गया। अब लेकिन अब हमें कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, अब ये नहीं दिया है, अब ये डायरेक्टली कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन नहीं दिया है, तो अब हम लोग क्या देखेंगे कि यहां पे के ए दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए के ए बाई सी की वैल्यू निकालो, तो ये 10^-5 अपॉन 10^-2 0.0 था भाई, 0.1 molar, तो ये 0.1 हो गया, ये आपका 10^-4 आ गया। ठीक है, तो यहां पे जो हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन होगा, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन प्लस, ये हो जाएगा √KA(C). अब आयनिक इक्विलिब्रियम बेटा यूज होगा यहां पे, जो आयनिक इक्विलिब्रियम के जो कॉन्सेप्ट थे वो अब यहां पे यूज होंगे। तो अब यहां पे देखो KA हो गया 10^-5 इंटू सी हो गया 10^-1, ये हो गया 10^-3, ये हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन आ गया 10^-3। अब हम सारी वैल्यूज को रखते हैं और अब फाइनली कैलकुलेट करते हैं, ये तो हो गया 0.76 - 0.03 लॉग कंसंट्रेशन ऑफ Zn, ये हो गया 1 इंटू पार्शियल प्रेशर 10 अपॉन इसका कंसंट्रेशन 10^-3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये 10^-6 हो जाएगा, ऊपर जाएगा प्लस में हो जाएगा 10^-7 हो जाएगा, तो अब यहां से हो गया 0.76 - 0.03 लॉग 10^-7, तो 7 इधर आ जाएगा और लॉग 10 की वैल्यू 1 हो गई, तो यहां से ई सेल की वैल्यू जो आ गई 0.76 - 0.21, तो अब ये हो गया 7, एक मिनट, ओके मिनट, ये हो गया 7, 6 - 7 = 5 और 5 0.55 volt, ये ही हमारा क्या आ गया, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आ गया। क्या मिल गया बच्चों, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमको सेल का फाइंड आउट हो गया। तो इस तरीके से हम लोग अगर कहीं पे भी आपको SHE
स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड दिया हुआ है, तो आपको बस ये देखना है हमें इसके सोर्स से कोई मतलब नहीं है। जैसे यहाँ पे देखो एस्टिक एसिड लिया हुआ है, हमने जो SHE बनाया था उसमें क्या लिया था, HCl का HCl सॉल्यूशन लिया था, तो उससे कोई मतलब नहीं है, आप कुछ भी लो। लेकिन अब हाइड्रोजन आयन का जो कंसंट्रेशन निकालना होगा उसके लिए अब क्या गिवन है, ये इस पर फोकस करेंगे कि अब इसके लिए हमें आयनिक इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट भी पता होने चाहिए। ठीक है, तो ये बच्चों नोट कर लो आराम से, और आज की क्लास के लिए बस इतना ही बच्चों, फिर अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे। तो अब हम इसके आगे की बात करेंगे, और हम लोग अब कैसे अलग अलग इलेक्ट्रोड्स का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल रहे हैं उस पर हम लोग बात करेंगे, कैसे निकाल रहे हैं। जैसे ये तो पता है, जैसे इसका हमने देखा कि 0.76 होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, अब ये स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकल कैसे रहा है हम लोग इसके बारे में अगली क्लास में देखेंगे। ओके, तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही। ओके, थैंक यू।